सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज आपके बीच कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। वो बातें क्या हैं? आप लोगों के घरों में जो संतानें जन्म लेती हैं उन्हें हम रक्त पुत्र कहते हैं, लेकिन एक और संतान होती है जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं और ना ही चर्चा करते हैं और ना ही रक्त पुत्रों को विचार पुत्र बनाने का कभी संघर्ष करते हैं। एक होता है रक्त पुत्र और एक होता है विचार पुत्र, जो आपके घरों में जन्म लेता है, आपके साथ रहता है और जब आप नहीं रहते हैं तो आपकी संपत्ति पर उसका हक होता है, वो मालिक बनता है, वो होता है रक्त पुत्र। और एक विचार पुत्र होता है जो आपके लिए, आपके संघर्ष के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके रक्त पुत्रों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जो संघर्ष करता है, जो तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को, उनके विचारों को, उनकी संस्कृति को, उनकी देशनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों को, उनके उपदेशों को जन जन में पहुंचाने का काम करता है, उसे हम लोग विचार पुत्र कहते हैं। मुझे गर्व है कि आप सभी लोग रक्त पुत्र वाले हैं, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए हम जैसे लोग आपके विचार पुत्र भी हैं। इस देश भारत में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये देश आगे बढ़े, ये संस्कृति आगे बढ़े, ये दर्शन आगे बढ़े, ये विचारधारा आगे बढ़े, इस पर जो काम कर रहे हैं उन्हें हम विचार पुत्र कहते हैं। और याद रखना, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में और जिस समाज में विचार पुत्रों की कमी हो जाती है, वो समाज, वो संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। आज आपके यहाँ सब कुछ है लेकिन विचार पुत्रों की कमी है। मैं आह्वान करता हूँ, रक्त पुत्रों को परिवर्तित करिए विचार पुत्रों में। आने वाला समय आपका है, आने वाले समय के आप शासक हैं, कोई रोक नहीं सकता। इस देश भारत में जितने भी लोग बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं के विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं, ये सभी विचार पुत्र हैं। और जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका सबका साथ दीजिए, सबका साथ दीजिए, सबका सम्मान करिए, ये संस्कृति और आगे बढ़ जाएगी, विचार पुत्र भी सुरक्षित रहेगा और आपके रक्त पुत्र भी सुरक्षित रहेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत।